50 साल बीत चुके हैं मिस्टर नेहरू, 50 साल। आपके सपने का, हमारे सपने का क्या हुआ? मेरा नाम सईद मिर्जा है मिस्टर नेहरू, और मैं फिल्में बनाता हूं। मैंने तय किया कि हम भारत भर में घूम घूम कर पूछेंगे, बात करेंगे आम हिंदुस्तानी से कि 50 बरस की आजादी का उसके लिए क्या मतलब है। आम हिंदुस्तानी से इसलिए कि मैं जानता हूं असली इंडिया वही है, और आप भी तो यही मानते थे ना मिस्टर नेहरू। हम कुल 18 लोग थे, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, कोई केरल, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, एमपी से, और कुछ अपने महाराष्ट्र से, कुछ जोशीले जवान, कुछ अनुभवी उम्रदार। अप्रैल के महीने में हम निकले बंबई से कि हिंदुस्तान को उस रंग में देख सकें जिसमें उसे देखा जाना चाहिए, गर्मी में, धूल में, कोहरे में, बारिश में। पुणे के रास्ते खंडाला में हमारा पहला पड़ाव था, और वहीं मुलाकात हुई मुंबई के कुछ जवान छात्रों से। I want to know, I want to ask you guys, how do you all react to 50 years? What do you all feel about 50 years? 50 years is great, yeah. Great, yeah. Why is it great? We need another 50 years to improve ourselves. Change it. I think the young people should rule the world. our prime minister should be like that. Spirit, humble, and. In this country, we need a dictatorship. Democracy won't work. No, we need a Hitler. इन कम उम्र जवानों का नजरिया सचमुच डरा देने वाला था। इनके हंसी ठट्ठे, मजाक और कहकहों के पीछे कहीं एक खालीपन था। अगर इन खाते पीते संपन्न युवाओं का यह हाल है, तो उनसे क्या उम्मीद हो सकती है जिनके घर भी खाली हैं और जेबें भी। वो क्या करते होंगे अपना खालीपन भरने के लिए? बीजापुर कर्नाटका में है मजार एक सूफी संत की। हर मजहब, हर जात, हर उम्र के लोग यहां आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, अपना दर्द लेकर। कहते हैं हर मर्ज की दवा है यहां की दुआ में। एक सन्नाटा, खामोशी, सुकून था यहां माहौल में, और यही मुलाकात हुई साहिबी से। जमाना अलग था, ये अभी का जमाना अलग है, हमारा जमाना अलग है, तुम्हारा जमाना, जमाना पलटे पलटी 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 पलट जा रही। हर बदलाव, हर उलट पुलट उसने देखी थी, समझी थी, पर हंसते हंसते थोड़ी देर में हम भी हंसने लगे साहिबी के साथ। अल्लाह ऐसा नहीं माँ, देखो इंसान को एक बात है। यही हमने देखा
एक अद्भुत नजारा। एक बच्ची जो अभी अपने पांव पर चलना ही सीख रही थी, अपनी बीमार मां को पालना सीख चुकी थी। मां का ख्याल रखना, मां के लिए दुआ पढ़ना, हिंदुस्तान के हर कोने में बार बार हमारी मुलाकात होती रही जाने कितने ऐसे बुजुर्ग बच्चों से। हमारा काफिला पहुंचा गोल गुंबज, शहनशाह मोहम्मद आदिल शाह का आलीशान मकबरा। 17वीं सदी में बीजापुर में इन्हीं की हुकूमत चलती थी और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज माना जाता है। गूंजती आवाजों के लिए दुनिया भर में मशहूर। एक आम हिंदुस्तानी को अपनी परंपरा पर कितना नाज है यह इन जगहों पर जाकर ही पता चलता है। इस दूर दराज शहर में भी हमारी मुलाकात कितने ही सैलानियों से हुई और उनकी बातों में भी कई कई गूंजे थी। कैसे लगा, क्या वो क्या हुआ, क्या कैसे लगा आपको? क्या देखे तो क्या पेट भर को गए, पेट भर गया। अच्छा लगा। गोल गुंबज देखने से आई वॉज रियली वेरी मच एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड। माई हार्ट वॉज सो मच थ्रॉबिंग दैट आई हैव फॉरगॉटन माई एवरीथिंग। एंड इतना उसमें मैं सब होश ही से हो गया, बहुत आई कॉन्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। We are celebrating 50 years of independence this year, 50 years India will be free. What do you feel about it? What do you feel about India and what do you feel about our independence? Educationally and scientifically regarding developments, everything is okay. And we have got, on the whole, our nation has got very bright future. But we can't have the very confident, very non-corruptive political leader, that's all. We should have a good leader to lead us politically. And you feel that is not right now, we don't have that. Yes. And in democracy, some people are going richer and richer. And most of us, medium and low-class medium are becoming poorer and poorer. So this this should be avoided only when dictatorship will be applied. But how? Do you think a dictatorship will remove this disparity? Do you think I feel. You feel that? I feel. At least for a few period of time, at least for 10 years, there should be dictatorship. And you think with this 10 years of dictatorship, the gap between the rich and the poor will be less? It will be minimized at least. It will be minimized. At least. And you feel that perhaps right now there is a great gap between the rich and the poor. Yes. Yes. What do you feel about democracy? Now you've explained your idea of democracy. Yes. What do you think about secularism? Secularism, now in fact, right. In fact, in our country, it has become very meaningless. Very meaningless. Mm. Telling regarding so much of secularism, and first only, I am a doctor. To get admitted even in the hospital, we should fill the form in the what is your cost? They ask. Right. What is your cost? Wherever you want to fill a form, you should tell that what is your cost? What is the meaning of secularism now? Right. There is no meaning at all. It should be above all this. What yeah, they are telling so much of regarding secularism, but. But do you believe in the idea of secularism? Do you believe? Yes, in it? Yes. You believe in the idea. Yes. No, I have told before only. No, we should have a best leader. Right. Best leader, only who can lead us
all with all the constant creeds, all the rich and poor with him, right, at a time. Not only the rich, not only the Hindus, not only the Muslims, not only the Christians. He should lead all the costs and trades, no? With him. Yeah. How do you see the future for your children? I mean, these two young boys. What are their names? He is Arvind. My name is Arvind. Arvind. And what is your name? My name is Avinash. Avinash and Arvind. Now tell me, what do you feel for their future? Do you feel confident about their future, or do you feel slightly worried? I am very much confident about their future. Really, really. Because I am trying my level best to give them very good education. Yes. In the field of education, they have got very good future. Very good. There is no doubt at all. Are you a good student? Yes, sir. What class are you in? I'm studying in sixth standard. Sixth standard. What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? Do you have any idea? What? I want to become a engineer. I want to become a pilot officer. Pilot officer? Yes. Ah. In the Air Force? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Oh, very good. So he has been selected in the science school. In the science school. Yes, ah. And what about you, Avinash? That's it. In the third standard? Oh, so he's elder? He's younger. Oh, I thought you were taller than I thought. Dr. Ramakrishna Rao, क्या वो सचमुच तानाशाही लाना चाहते हैं इस मुल्क में, या एक ऐसा लीडर जो हर तबके को इंसाफ दिला सके, गरीब अमीर का भेद मिटा सके, कम से कम कम तो कर सके, शायद. बीजापुर से हम बाहर निकले और रास्ते में हाईवे पर रुके एक छोटे से ढाबे में खा पी कर इधर यूनिट के लोग सुस्ता रहे थे, उधर मेरी बात चल रही थी ढाबे के मालिक हनुमान से. आपके पास चार बच्चे हैं ना? हाँ, चार हा? बच्चे हैं. सबसे बड़ा कितना है? बड़ा लड़की है. लड़की है? कहाँ आप पढ़ती है? ना, पढ़ती है. स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल नहीं, स्कूल. और सबसे छोटा? सबसे छोटा वो भी पढ़ता है. अच्छा. आपकी राय में ये पढ़ने से क्या होगा उनके लिए? वो सोचा नहीं, हम भाई लोग पढ़ा रहे थे, हम भी पढ़ा रहे हैं. कुछ और नहीं? नहीं. आपकी उम्र कितनी है? मेरी 32 33 साल हो. 33 33 साल की. आपने अपने बचपन में और अब तक क्या 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 फर्क देखा है? हमने और कोई काम नहीं किया, बस खाली होटल ही. होटल भाई, होटल में भी क्या चेंजेस, फर्क क्या हुआ? फर्क तो क्या नहीं है, हमने कोई आइटम बदला नहीं, बस जो पीछे से करते रहे वही खाना खिलाते रहे, और आइटम्स को चेंज नहीं किया. दाल रोटी. हाँ, असली चीज तो वही है ना इंसान के लिए, और क्या है ना? असली चीज तो है दाल रोटी, और क्या है? मैं कभी कभी, आपने ये नहीं सोचा कि देश के बारे में? कभी नहीं सोचा कि देश में क्या क्या हो रहा है? नहीं, अब हम सोच के भी क्या करेंगे. तुमको ऐसा लगता है हा? कि क्या करेंगे? हाँ. तो आपने ये तय कर लिया, सोचो मत, आपने ये तय कर लिया कि अच्छा खाना बनाओ बस, और लोगों को खिलाओ. हाँ. करेक्ट. हाँ. ये आपका फिलॉसफी है. और चार ग्राहक आ जाए हमारे पास, पेट भर के खुश होकर जाए. थैंक यू. और ग्राहक नहीं तो हम क्या है? करेक्ट. वो भी गिरा के पीछे हम. तो आपका फर्ज बनता है कि अच्छा ग्राहक आएगा तो अपने को तो पेट भरेगा. हनुमान सीधा साधा इंसान, हनुमान. मुल्क वो चलाए जिनका वो काम हो, उसे काम है अपने काम से, अपने कर्म से. मगर उसने ये भी कहा था, क्या होने वाला है अगर मैं मुल्क के बारे में सोचूं तो भी.
कर्नाटक के गांव से गुजरते हुए हम पहुंचे हम्पी, गुजरे हुए जमानों का, दास्तानों का शोहरतमंद शहर हम्पी। 14वीं से 16वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अरब से, अफ्रीका से, फारस और चीन से और जाने कहां कहां से व्यापारी यहां आते थे और मंडी में सोने चांदी और बेशकीमती जवाहरातों के ढेर लगे रहते थे। सड़कों पर भीड़ भरी रहती थी, बाजारों में चहलकदमी। आज यहां सब खंडहर है। हम्पी के राजाओं और सेठ साहूकारों ने सैकड़ों बड़े शानदार मंदिर भी बनवाए थे, कुछ अभी भी बचे रह गए हैं। इसलिए आवाज डिफरेंस निकलेगी। बहुत से लोग बोलते हैं हालो से, हालो नहीं, हालो बनाने की चांसेस नहीं। टॉप टू बॉटम का परफेक्ट स्टोन है। विट्ठल के मंदिर में इतिहास और वास्तुशिल्प के साक्षात दर्शन करा रहा था जोशीला गाइड हमारे उतने ही उत्साही साथियों को। थोड़ा लो पीछे सर। अगली सुबह तुंगभद्रा के घाट पर एक और अचंभा देखा हमने। शंकर कोई साधारण साधु नहीं था। रिक्शा चलाता था, इधर उधर के काम, छोटी मोटी मजदूरी किया करता था। फिर वो साधु बन गया। न घर द्वार था न परिवार, तो सोचा पूरे हिंदुस्तान को क्यों न घर बना ले। निकल पड़ा वो पूरा भारत घूमने देखने। राह में एक हमसफर भी मिल गया, पर वो दोनों बात नहीं करते, खामोशी से देखते हैं अपना अपना भारत। क्या देखा? कुरुक्षेत्र में क्या क्या देखा आपने? सब देखा, सब मैं था। कुरुक्षेत्र में ही किताब मंदिर, रक्त तारा, कुरुक्षेत्र सब देखा। हरिद्वार, काशी, अजमेर भी देखा। अजमेर में क्या देखा आपने? हम दरबार देखा था, कुछ भी क्या है दरगाह में। अच्छा, आगरा देखा, ताजमहल देखा, अयोध्या देखा। हम जिंदगी में सब देखना सुन बस। ये आपके, ये क्या पहना आपने, ये गले में क्या? तावीज है। ये तावीज है? हाँ। कहाँ? ये अजमेर में ले गया था। अजमेर में? ये काशी का है। ये काशी का है? काशी का। ये काशी का और ये अजमेर का? अजमेर का है। अजमेर का तावीज, काशी की माला, कितनी खामोशी से, खूबसूरती से इस इंसान ने पूरे हिंदुस्तान को गले लगा रखा है। एक ऐसा आम हिंदुस्तानी जिस पर आपको नाज हुआ होता मिस्टर नेहरू। हम्पी से निकलकर हम चल पड़े गोवा की तरफ। गोवा हिंदुस्तान का वो हिस्सा जिसे विदेशी राज से आजादी मिली थी 1961 में। यहां की इमारतों में, इबादत में, रहन सहन में पुर्तगाल की छाप साफ नजर आती है। फेरी से हम चल पड़े दीवा द्वीप की तरफ। हमारे कई साथी इस अनोखे ढंग से पहली बार सफर कर रहे थे। यही घर था हमारी साउंड असिस्टेंट शाही हरेडिया का।
संडे की सुबह थी और लगा दी हमने पंचायत शाही के घर वालों और मेहमानों के साथ। बात होने लगी कि आखिर जा कहां रहा है हमारा हिंदुस्तान। I don't think this country has any other option but democracy. And the reason is that when you have a continent, India is not a country, it's a continent, with this diversity in ethnicity, religion, culture, language, food habits, you name it, there's no way you can level it all down and become like the Japanese or the, the Taiwanese and so on and so forth. Yeah. There's no way. Now, if you don't have a system whereby the aspirations of all these little groups can bubble to the top, and you just try and smoothen it over in one shot, you would have a serious problem on your hands. I would like to quote Krishna Menon, who at the first major session in 1952, I think in the UN, when the American delegate, it was Lester Pearson, I don't remember, who said to him, you know, how will India manage with independence? And he turned around and said, we'll muddle through. And I think that is the story of India over the last 50 years. We have literally muddled through. Happily, notwithstanding the fact that we have muddled through. The tragedy of this country is not how much we have attained, but how much we should have done and lost out on. And therefore, the system is fine, it's got to be adapted, the system is necessary, and I think it'll happen. Only we may not be around when it does finally fall into place. Whether you talk of economics, whether you talk of education, you talk of welfare, you talk of anything, there are lots of opportunities. This is where I'm anxious. But take the case of Goa. Just muddled through. Take the case of Goa, Noel. And in a place like Goa, it's small enough to manage. And we can't. You don't do have it. To subject yourself to muddling through. It's small. I mean, just unbelievable. We are talking about 1.2 million people and 1.2 million visitors. Surely you can plan for something the size of Bandra. It's unbelievable. You don't have to plan for more than Bandra. I mean, this is the basic concept. And we're not doing that. For me, it's a shame. That's why I'm filled with anxiety. And instead of muddling through here again, we could have learned from the mistakes they did elsewhere. And we're going the same way. And that's the worrying thing. And it's not for you. Bye, Mom. Bye, can I call you? Ta-da! Goa chhodte hue. सारी बातें दोहरा रहा था मैं, मन में सोच रहा था कितने सालों तक लड़खड़ाते रहेंगे हम सब, कितने और मौके गंवाते रहेंगे हम सब। ऐसा होना जरूरी था क्या? सवाल बहुत सारे थे, पर सारे सवालों के पीछे कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कि हमारे पास हुनर है, हिम्मत है, हौसला है भारत भाग्य विधाता बनने का। समंदर के किनारे किनारे नई बनी कोंकण रेलवे के साथ साथ चलते हुए हम जा रहे थे उस जगह की तरफ जहां गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदुस्तान का सबसे सुंदर सूरज देखा था, कारवार। पर शहर में दाखिल होने से पहले ही एक जगह पुल पर हलचल सी नजर आई, हम भी देखने के लिए रुक गए।
जब लड़की गिरा तुम बचाया उसको? हाँ उधर गिरा था यहाँ से कूदा वो लोग ने, वो लड़की ने। हाँ हम लोग ये बोलते वहाँ से आ रहा था इस बात के, हमने वो लड़की वहाँ जा रहा है पानी में, उसको पकड़ के आओ। ये लोग ने पकड़ के लाया उसको, मैं तो ऐसे जा रहा था। वो जो लड़की थी उसमें एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की थी, वक्त रहते बचा ली गई, इम्तिहान में फेल हो गई थी। मैं उसकी जिंदगी और इम्तिहान में अच्छे की दुआ करूंगा। 50 सालों में कितनी तरक्की की है हमने शिक्षा के क्षेत्र में, पर पढ़ाई के साथ साथ नौकरी और रोजी रोटी का दबाव और इम्तिहानों में अच्छा करने की तमन्ना भी बढ़ती चली जा रही है। एक ख्याल, एक सवाल बार बार कौंधता है दिमाग में, अपने नौजवानों को शिक्षा के साथ साथ जो सपने हमने दिए हैं, जो आकांक्षाएं हमने जगाई हैं, उन्हें कैसे पूरा करेंगे। अभी हमारे सफर का पहला हिस्सा ही खत्म हुआ था, और इतने में ही कितना कुछ देखा था, कितना कुछ सुना था।